हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं दही अरबी की सब्जी। अरबी को हम छत्तीसगढ़ में कोचई कहते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं दही कोचई की सब्जी। कोचई, जिसे इंग्लिश में कोलोकेशिया या टैरो रूट्स कहते हैं, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद हम इसे छील लेंगे और कट करके रख लेंगे। अगर आप बिना दही वाली अरबी की सब्जी देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक में क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे हमने बहुत सारा अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिया है। जैसे अरबी को छीलते हुए आपको ध्यान देना होता है कि कभी कभी हाथों में जलन सी महसूस होती है, क्योंकि इसमें मिला हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट, इसीलिए। और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स भी देख लेते हैं। उसके लिए लिया है हमने 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से करी पत्ता, 4 लिया है हरी मिर्च और 1 बड़ा प्याज लिया है और लिया है 2 टमाटर। चलिए अरबी को छील करके कट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोचई के पौधों को तो पूरा ही यूज़ कर लिया जाता है, जैसे ज़मीन के अंदर जो जड़ होता है। एक्चुअल में ये जो अरबी होता है वो जड़ नहीं होता, वो तना होता है, मांसल तना, मतलब गुदेदार तना ये होता है, उसको हम अरबी कहते हैं। ये जड़ नहीं है और इसे हम आज बना रहे हैं दही अरबी के रूप में। और जो ऊपर की तरफ जो तना होता है, ज़मीन से बाहर का जो तना होता है, उसे हम बनाते हैं पोंगा बड़ी के रूप में। और इसकी जो पत्तियां हैं उसको हम बनाते हैं कोचई पत्ता की कढ़ी या इढ़ड़ कढ़ी जिसे कहते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आप ऊपर आई बटन क्लिक करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है तेल। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों, अपने कटे हुए लहसुन को डाल देंगे और डाल देंगे कटे हुए हरी मिर्च। और इसमें करी पत्ता भी डाल देंगे, कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे अपने कटे हुए अरबी को। अब हम कोचई को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक। चलिए जब तक ये अरबी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमने एक छोटा पैकेट दही लिया है। अब कोचई को हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जितने भी टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और ये अरबी अच्छे से पक जाए और इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा लाल हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, इसका जो कलर है वो लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फेंटे हुए दही को। याद रखिए, हमने इसमें बेसन नहीं मिलाया है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी सब्जियां बनती हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। ये जो दही अरबी बनने वाली है वो चटपटी बनने वाली है। हम अरबी को सूखा बना के कभी पानी डाल के बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से दही वाली जो अरबी है वो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, नहीं तो ये हमारी दही अरबी की सब्जी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज में आपको अगर नमक कम ज़्यादा लगता है तो आप डाल भी सकते हैं, हम थोड़ा सा और नमक डाल रहे हैं। कुचई को तो ऑलरेडी हमने पका लिया है, ये अच्छे से उबाल आ जाए और थोड़ी रस गाढ़ी हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे।
तो लीजिए, हमारी दही कुचई की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी, और आप अगर इसे नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है। और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।